दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एंड्रॉइड बडी को और बेल आइकन को दबाए सबसे पहले अपडेट्स पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एंड्रॉइड बडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले सैमसंग मीटियर माइक का एक अनबॉक्सिंग और छोटा सा हैंड्स ऑन रिव्यू। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये सैमसंग मीटियर का माइक है और ये उसका बॉक्स है। बॉक्स को अगर आप देखेंगे तो छोटा सा बॉक्स है, उसके अंदर खोलेंगे तो उसके अंदर में आपको मिल जाएगा सैमसंग मीटियर का ये माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का बिल्ड काफ़ी अच्छा है, पूरा मेटल से बनाया गया है और ये काफ़ी हैवी है। और देख सकते हैं ये तीनों लेग्स हैं, इसको आप ओपन करके रख सकते हैं। इसको आप ओपन करके टेबल के ऊपर स्टैंड कर सकते हैं या फिर चाहे तो उसका थोड़ा बेंट करके अपने हिसाब से सेट करके रख सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख पाएंगे इन तीनों लेग्स की मदद से आप अपने हिसाब से इसको सेट कर पाएंगे। और इसके साथ आप अगर बॉक्स को खोलेंगे, बॉक्स के अंदर में आपको और दो चीज़ें मिलेंगे, जिसके अंदर में मिलेगा एक USB केबल जिसकी मदद से आप इसको डायरेक्टली अपने PC से कनेक्ट कर पाएंगे। केबल काफ़ी लंबा और काफ़ी अच्छा केबल है तो ये बहुत अच्छी तरीके से आप यूज़ कर पाएंगे। और ये केबल का जो लंबाई है ऑलमोस्ट 3 मीटर तक का इसका लंबाई है, तो आप काफ़ी दूर तक इसको अपने यूज़ कर सकते हैं अपने PC के साथ में कनेक्ट करके। और उसके साथ में आपको मिल जाता है एक पाउच जिसमें आप अपने सैमसंग मीटियर माइक को आसानी से कैरी कर सकते हैं। पाउच काफ़ी अच्छा है और स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, आप आसानी से इसको अंदर में अपने माइक को डाल के आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आप लोगों को इस माइक का एक ओवरव्यू दे देते हैं। माइक पूरा मेटल से बनाया गया है और जैसे कि आप लोग देख पाएंगे ये बिल्ड क्वालिटी काफ़ी स्टर्डी है। और यहाँ पे फ्रंट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बटन मिलेगा, बटन से आप इसको म्यूट कर सकते हैं। इसके म्यूट करने से आप इसका ऑडियो क्वालिटी को म्यूट नहीं करेंगे, ये सिर्फ आप इसमें जो हेडफोन लगाएंगे उससे आप जो साउंड सुन पाएंगे उसको आप म्यूट कर पाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं पीछे में आपको एक हेडफोन लगाने की जगह दिया गया है, इसको आप यहाँ पे हेडफोन लगा के अपने ऑडियो को मॉनिटर कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ये एक वॉल्यूम कंट्रोलर भी दिया गया है, इसके मदद से आप वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। आप जो हेडफोन से ऑडियो सुन रहे हैं उसका ऑडियो को आप कंट्रोल करके सुन सकते हैं, आप कितना लाउड सुनना चाहते हैं। और इसको ऑटोमेटिक बटन को प्रेस करेंगे तो आपका जो ये ऑडियो है वो म्यूट हो जाएगा। इस माइक को मैंने paytm.com से ख़रीदा है और paytm.com से ये मुझे मिला लगभग 4,500 रुपये का। लेकिन अगर आप ऑनलाइन में सर्च करने जाएंगे तो आपको ये मिलेगा लगभग 6,000 से 6,500 रुपये तक का। लेकिन मुझे पेटीएम में यहाँ पे 2,000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला था तो उसके वजह से मुझे ये 4,500 रुपये में मिल गया। काफ़ी अच्छा डील है, 4,500 रुपये में अगर आप माइक ढूंढने जाएंगे तो आपको इतना अच्छा माइक नहीं मिलेगा। इस प्राइस में आपको ब्लू का स्नोबॉल माइक मिलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से ब्लू स्नोबॉल से सैमसंग मीटियर का जो माइक है ये थोड़ा बेटर क्वालिटी का माइक है। अगर आप थोड़ा अच्छा क्वालिटी का माइक ढूंढ रहे तो आप सैमसंग मीटियर को ले सकते हैं। और ऑडियो क्वालिटी की अगर बात करें तो ऑडियो अभी तक जो सुन रहे थे आप लोग ऑडियो, ये ऑडियो सैमसंग मीटियर से ही रिकॉर्डेड है। और उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को अंदाज़ा हो गया है इसका ऑडियो आपको कैसा मिलेगा। ऑडियो क्वालिटी इसका बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा नॉइज़ भी कैप्चर हो जाता है। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो इसमें थोड़ा बहुत नॉइज़ इसमें कैप्चर हो जाएगा, लेकिन उसको अगर आप ऑडासिटी से क्लीन करेंगे तो आपको एक बहुत ही अच्छा ऑडियो परफॉर्मेंस मिलेगा और इससे आप बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सैमसंग मीटियर का अनबॉक्सिंग और रिव्यू अच्छा लगा है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिए दोस्तों और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए जो लोग एक माइक खरीदने की सोच रहे हैं। अगले वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगा दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय और आपका दिन शुभ हो।